अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। मेरा नाम है अमन सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल फाइन स्टूडियो। तो इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप पिक्सआर्ट के अंदर एक हिडन फीचर है, काफ़ी लोगों को पता होगा लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता, आप उसकी मदद से कैसे अपनी एडिटिंग कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दे प्रेस, ताकि आने वाली वीडियो की हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ से पिक्सआर्ट को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने फ्रंट में अगर आपका इंटरनेट ओपन है तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन स्टार्ट होने लग जाएगा। अब मैं आपको बता दूँ ये फॉर यू इसका होम स्क्रीन है पिक्सआर्ट की। यहाँ पे रोज़ लोग अपनी एडिटिंग को यहाँ पे शेयर करते हैं लोगों के साथ। अब आपको यहाँ से जो भी एडिटिंग आपने करनी है ना, जो आपको अच्छी लग रही है वो आपके यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। मिसाल के तौर से पहले आपको मैं सब यहाँ पर समझा दूँ। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है, यहाँ से आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं। इसके बाद ये तो एडिटिंग वाला ऑप्शन है ना, प्लस वाला। इसके बाद ये चैलेंज वाला ऑप्शन है, रोज़ यहाँ पे लोग चैलेंज करते हैं तो आपको उन जैसी फ़ोटो को क्रिएट करना पड़ेगा तो आपको विनर बना दिया जाएगा पिक्सआर्ट वालों की तरफ से। तो मैं पहले वाले ऑप्शन पे आता हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये वाली मुझे एडिटिंग करनी है, ये आप देख रहे हैं लड़की वाली, यहाँ पे दिल बने हुए। अब मैं इसके नीचे ट्राई करता हूँ। ट्राई करने के बाद ये वाली इमेज है, चलो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ क्रॉप इतना। अब नीचे आपके सामने ऑप्शन आ रहा है स्टेप 1 और 3 क्रॉप्स। अब 3 स्टेप के अंदर हमारी ये एडिटिंग होगी, ऑटोमेटिक होगी। अब मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो ये हम स्टेप 2 के अंदर आ चुके हैं। यहाँ से आप इसकी खुद भी एडिटिंग यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी PNG को आप उठा के कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ लगी हैं वहाँ अभी तक ठीक है। अब मैं थर्ड स्टेप को नेक्स्ट करता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट, और ये देखें हमारी एडिटिंग हो चुकी है। अब हर इमेज के अंदर वो वाली अप्लाई नहीं होगा, आपको अपनी इमेज भी थोड़ी अच्छी लेनी होगी इसके लिए। तो मैं बैक आता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको ट्राई करता हूँ, ये वाली इमेज को। तो मैं यहाँ से ट्राई के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये मेरी थंबनेल की इमेज ही है। तो इसको मैं यहाँ पे देखता हूँ कैसी लगती है। तो यहाँ पे स्टेप 1 हमारा कंप्लीट है, स्टेप 2 के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट किया मैंने, तो ये देखें यहाँ पे हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आप बैकग्राउंड को ब्लर ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन को दोबारा क्लिक करता हूँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हमारी इमेज रेडी हो चुकी है। तो रोज़ यहाँ पे नए नए चैलेंज आते हैं तो नई नई इमेज आती रहती हैं, यहाँ से आप इनको देख सकते हैं। जो उनसी आपको इमेज अच्छी लगती है आप उसको एडिटिंग यहाँ पे कर सकते हैं।